गोरखपुर की सिविल लाइंस की रहने वाली पूनम सिंह ने जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि मेरी जमीन सिविल लाइंस में है, लेकिन एक भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वह जबरदस्ती घुसकर हमारे घर में रहने का प्रयास कर रहा है। जब हमने उसको हटाने के लिए कहा तो वह हमको मारने की धमकी दे रहा है, जिसकी लिखित शिकायत हमने सभी अधिकारियों से किया है, जिसके बाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। वह एक हिस्ट्री शीटर है और एक शातिर अपराधी है। इसके अलावा उसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। वह जेल जा चुका है और उसका रासुका की भी कार्रवाई हो चुकी है। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमको न्याय मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूनम सिंह ने कहा। नाम है आपका? पूनम सिंह। कहाँ से आई है? सिविल लाइन से। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य? मेरी जमीन है सिविल लाइन में, जिस पर जब संकेत मल्लिक भू माफिया है और एक शातिर अपराधी है, वो जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहता है। इसी के सिलसिले में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। तो कैसे कब्जा कर रहे हैं वो? जबरदस्ती उसमें घुस के हमारे कमरे घर में रहने का प्रयास कर रहा है। उसको कई बार हमने बोला कि आप यहाँ से हट जाओ, तो वो हमको जान से मारने की धमकी देता है। इसकी लिखित शिकायत भी हमने सारे जगह सारे उच्च अधिकारियों को भेजा है। सारे प्रकरण जो भी मेरे साथ उन्होंने किया है, कई बार उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी है। मेरे पर पिस्टल भी दिखाया था। उस सबकी लिखित जानकारी हमने उच्च अधिकारियों को पहले दे रखा है। संकेत मलिक हिस्ट्री सिटर हैं, बहुत शातिर अपराधी हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। 307 के दो दो मुकदमे इनके ऊपर हैं। ये जेल जा चुके हैं, इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई भी हुई है और ये आए दिन किसी न किसी विवाद में उलझते रहते हैं। और ये बहुत ही बड़े शातिर अपराधी और हर किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं। कई बार ये कई लोगों के ऊपर जान से मारने की हरकत भी कर चुके हैं। तो अभी क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इनका हमारी जमीन इनके कब्जे अगर ही कब्जा कर रहे हैं तो उस पर प्रशासन जो है हमारा सपोर्ट करे और हमारी इनके कब्जे से हमारी जमीन छुड़वाए। जो आपने प्रशासन शिकायत किया था उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो जमीन हड़प रहे हैं वो किस तरह की जमीन है, पैतृक है या नहीं? नहीं, हमने बैनामा कराया है उसको। और कुछ दिन पहले मेरा लड़का गया था घर पे सामान निकालने के लिए, तो ये उसको जो है जान से फावड़ा दिखाकर जान से मारने की धमकी दिए थे, जिसकी वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। उसकी शिकायत भी हमने शासन प्रशासन को दी है। उसकी वीडियो क्लिप मेरे पास मौजूद है। मेरे 13 साल के बच्चों को इसने जान से मारने की धमकी दी, जो कैमरे में कैद है। क्या आपके रिलेटिव हैं क्या? जी, हमारे कजिन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम सिंह है। और इन्होंने हमारे गांव की जो पैतृक हमारी जो जमीन है, जो हमारे पापा लोगों के नाम से है, उसको भी ये लोग ये बाबा से सब कुछ अपने नाम करवा चुके हैं फर्जी तरीके से, जिसका बनाम जिसका मुकदमा इनके ऊपर लंबित है। हमारे पूरे परिवार के लोग इनसे त्रस्त है। ये हमें ही नहीं, हमारे परिवार के और लोगों को, हमारे चाचा लोगों को, हमारे और लोगों को भी हमेशा उलझते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। वो लोग भी पूरी तरह से इनसे डरे हुए हैं और इनसे परेशान हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से कोई बातचीत आपकी? जी, इस संबंध में मेरी बात हुई है। हमने सबको इस बारे में बता रखा है। क्या आश्वासन मिला? बोलते हैं लोग देख रहे हैं। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई, संकेत मल के ऊपर कार्रवाई हो। वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके उनकी जो जमीन वहाँ पर ऑलरेडी है, जब उनका हिस्सा ऑलरेडी हो तो अपने हिस्से में रहे, मेरे हिस्से में जबरदस्ती क्यों रहेंगे? और मेरे हिस्से में रहेंगे तो भाई हमें प्रॉब्लम होगी, हम उसके लिए अपना प्रयास करेंगे ही उसको छुड़ाने के लिए। उन्होंने भी जमीन वहाँ जो है बैनामा लिया? हाँ, उनका बैनामा है वहाँ पर, तो उसमें वो रहते हैं, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं। हम उनके में कब्जा करने या बेदखल उनको उसमें कुछ करने तो जाते नहीं है, तो मेरे में वो क्यों जबरदस्ती दखल दे रहे हैं अपने।